अगरताला में मैंने देखा कि हजारों की तादाद में लोग आपके रोड शो के लिए आए थे, तो जहां पर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में कह रहे हैं कि मार्जिन कम हो रहा है, लेकिन जिस तरह भीड़ें आई तो ऐसे लग रहा था कि बीजेपी जो है वो उनका चुनाव प्रचार जो है इट इज टचिंग अ कॉर्ड अमंग पीपल। तो आपके हिसाब से कि बीजेपी कहां पर है त्रिपुरा में, क्या भारी बहुमत के साथ जीतने वाले हैं या फिर नेक टू नेक चल रहा है यहां पर? देखिए, हम त्रिपुरा के अंदर हमारी सीटें भी बढ़ाएंगे और वोट प्रतिशत भी हमारा बढ़ेगा, और इसका सबसे बड़ा परिचायक है कि यहां पर जिस कांग्रेस पार्टी के ऑर्गेनाइजेशनल कैडर के सैकड़ों लोगों की हत्या कम्युनिस्ट शासन में हो गई थी, वो कांग्रेस पार्टी ने बहुत कम सीटें लेकर कम्युनिस्टों के साथ समाधान किया है। और जो कम्युनिस्ट पार्टी कभी त्रिपुरा में किसी के साथ नहीं जाती थी, वो कम्युनिस्ट पार्टी ने भी कांग्रेस के साथ समाधान किया है। इसका मतलब है वो दोनों ये बात को स्वीकार कर चुके हैं कि हम अकेले भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी पोजीशन है। मैं मानता हूं कि हम त्रिपुरा में हम अब तक का हमारा सबसे अच्छा परिणाम इस बार लेकर आएंगे। उत्तर पूर्वी राज्यों में दो और राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, आपके हिसाब से उन दोनों राज्यों में भी क्या ऐसे मुद्दे हैं जो आपको यू नो व्हाट यू थिंक इज इम्पोर्टेंट? देखिए, समग्र उत्तर पूर्व के अंदर नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने उत्तर पूर्व को बदलने के लिए बहुत कुछ किया है। सबसे पहले उत्तर पूर्व के अंदर आज शांति है। कई सारे उग्रवादी संगठन थे, कई सारे उग्रवादी संगठनों के साथ हमने समझौता किया है। बोडोलैंड का समझौता हुआ, आरबी जनजातियों के साथ समझौता हो गया हमारा। यहां पर त्रिपुरा में ब्रू और रियांग अमानवीय तरीके से 40,000 परिवार 25 साल से ज्यादा समय से रहते थे, उनको सेटल कर बसाया गया। यहां पर भी एनएलएफटी के साथ समझौता किया गया। लगभग 8,000 से ज्यादा आर्म्ड कैडरों ने आत्मसमर्पण कर मेन स्ट्रीम में आना पसंद किया है। तो जो उत्तर पूर्व को पहले ब्लॉकेड, बम धमाके, इंसर्जेंसी के लिए जाना जाता था, आज इसकी जगह वहां रोड बन रहे हैं, सभी राज्यों में रेल पहुंचने को आई है, सभी राज्यों में एयरपोर्ट्स दिए गए हैं। जहां एक एयरपोर्ट था वहां त्रिपुरा जैसे राज्य में दूसरा भी हम बना रहे हैं। तो ढेर सारा विकास का काम नॉर्थ ईस्ट को इससे विकास से युक्त बनाने का काम प्रधानमंत्री जी ने कहा है, और 8 साल के कम समय के अंतराल में प्रधानमंत्री जी स्वयं 51 बार नॉर्थ ईस्ट आए, 51 टाइम। आजादी से अब तक किसी भी प्रधानमंत्री की फ्रीक्वेंसी नहीं रही है, और हर 15 दिन में एक केंद्रीय मंत्री को कंपलसरी यहां आना है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स बहुत बड़ी चीज होती है उत्तर पूर्वी राज्यों में, मतलब उनकी जो आइडेंटिटी है वो अगर मिट ना जाए, उसको प्रिजर्व करके रखना, स्पेशली ट्राइबल एरियाज में ये बहुत एक सेंसिटिव मसला है। तो मेघालय और नागालैंड में चुनाव होने वाले हैं, वहां पर ये इशू उठ रहा है? नहीं, मगर उनको अब तो 9 साल में परिचय हो गया है। मीडिया जो हमारे लिए अफवाहें फैलाता था कि हम आएंगे तो आपकी आइडेंटिटी चली जाएगी, आपकी भाषाएं चली जाएगी, उल्टा मोदी जी के आने के बाद लोकल लैंग्वेजेस और स्ट्रेंथी हो गई और मजबूत हो गई, अब प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषाओं में होने लगी है। और इतना ही नहीं, कई सारी बोलियां जैसे मणिपुरी है, जैसे यहां की बोली है त्रिपुरा की, कई सारी बोलियों में भी शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ने लगा है। बोडोलैंड में भी उनकी भाषा में प्राथमिक शिक्षा होने लगी है। तो उनकी आइडेंटिटी को और मुखर कर मजबूत करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। एक भी राष्ट्रीय पर्व ऐसा नहीं है जिसमें नॉर्थ ईस्ट के कलाकारों ने दिल्ली के प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म नहीं किया है। उनके लिए देश भर के अंदर स्वीकृति बढ़ी है। नरेंद्र मोदी जी के लिए कई पत्रकार एनालिसिस करते करते आर्टिकल लिखते हैं, तो मैं पढ़ता हूं कि भाई नरेंद्र भाई ने रोड कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने एयर कनेक्टिविटी बढ़ा दी, नरेंद्र भाई ने रेलवे से
उत्तर पूर्व को जोड़ दिया, ये तो किया ही है प्रधानमंत्री जी ने, मगर प्रधानमंत्री जी ने सबसे बड़ा काम अगर किया है तो उत्तर पूर्व और बाकी के भारत के हिस्सों के बीच में जो मन की दूरी थी उसको समाप्त कर दिया है। आज उत्तर पूर्व के लोगों को मन से लगता है कि भारत के बाकी हिस्सों में हमारा सम्मान है, यहां भारत के लोगों का सम्मान होना चाहिए। सर, जहां पर आप ऑपोजिशन की पार्टीज पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, वहीं कांग्रेस जो है अब आप पर, आपकी पार्टी पर, आप पर नहीं आपकी पार्टी पर मित्रता का आरोप लगा रही है कि मित्र बीजेपी के जो मित्र हैं, अडानी जी के बारे में कहा जाता है कि उनको सभी कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं और बीजेपी जो है उनका जो डिफेंस है वो इतना नहीं है, इतना स्ट्रांग नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने केस का संज्ञान लिया है, देश की कैबिनेट के सदस्य नाते जब सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर को सीज किया हो उस वक्त मेरे लिए बोलना ठीक नहीं होगा, परंतु इसमें बीजेपी के लिए कुछ छुपाने को नहीं है और ना किसी बात से डरने की जरूरत है। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि हर इलेक्शन से पहले ऐसे एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी होता है, पहले रफाल था। देखिए मैं बीजेपी के स्पोक पर्सन को इसका जवाब दे दीजिए, मैं आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है, इस बारे में मैं कम से कम अभी बात करना नहीं चाहूंगा। क्या कोई कंस्पिरेसी है सर, जैसे बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री हो या फिर ये सब ये हिंडनबर्ग का रिपोर्ट हो, क्या आप भी ऐसे देखते हैं कि कोई सत्य जो होता है इस पर 1000 कॉन्स्पिरेसी कर लो कुछ नहीं होता है, वो करोड़ों सूर्य की भांति तेजस्वी बनकर ही बाहर आता है। ये तो मोदी जी के पीछे 2002 से कर रहे हैं, और हर बार मोदी जी मजबूत होकर सच्चे बनकर और जनता की ज्यादा लोकप्रियता हासिल कर बाहर आए हैं जी। उन्होंने प्रधानमंत्री ने स्पीच में भी यही कहा था कि कीचड़ जो है कमल जो है कीचड़ में ही उगता है, तो जितना मर्जी कीचड़ उन पर फेंका जाए पार्टी और वो उभर कर आएंगे, लेकिन उनको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। पार्लियामेंट का डिस्कोर्स इतना खराब हो चुका है, शोर शराबे के बीच प्रधानमंत्री का पूरा देश सुनता है, जो सांसद को तय करती है ना वो जनता पूरी सुनती है। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चली जाइए और मोदी जी के भाषण के पर कमेंट्स पढ़िए, पूरी जनता सुनती है। अब पॉलिटिकल स्टैंड लेकर कुछ पार्टियां नहीं सुनना चाहती है, वो भी जनता देख रही है। आपने भी कहा था जब अधीर रंजन जी ने पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया तो आपने कहा कि किसी भी सांसद जी के लिए ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, आपने भी कहा, उस वक्त सब हंस पड़े क्योंकि वो शब्द जो है इतना अजीब लगा कि संसद में कोई वो शब्द कह रहा है, तो वो पर उसके बाद गाली गलौज भी शुरू हो चुकी है, आप इसके बारे में कुछ कहेंगे कि? देखिए मैं तो मानता हूं कि जनता सब कुछ देख रही है पर जनता इवेल्युएशन भी करती है। अब इंडियन डेमोक्रेसी इतनी मजबूत हो गई है, इतनी मैच्योर हो गई है कि वोट कास्ट करते वक्त ये सारी चीजों का संज्ञान भारत की जनता लेगी। पर संसद होने के नाते, एक सांसद होने के नाते, क्या आपको नहीं लगता कि सभी पार्टियों को मिल बैठकर कुछ करना चाहिए, क्योंकि लोग तंग आ चुके हैं ये सब देखकर, मतलब इट्स डिसगस्टिंग। देखिए हमें कोई परहेज नहीं है किसी के साथ बैठने के लिए, परंतु इनिशिएटिव तो सबने लेना पड़ेगा जी। मैं अब जो राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, 8 कुछ राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ये बार बार जो चुनाव होते हैं, मतलब अब 12 महीने में 8 राज्यों में अगर चुनाव होंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, रनिंग द कंट्री, ये सब बैकसीट ले ले जाए, सिर्फ इलेक्शन कैंपेन ही चलता रहता है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने पंचायत से पार्लियामेंट के चुनाव एक साथ कराने का एक विचार देश की जनता के सामने रखा है, सभी दलों के सामने भी रखा है, पार्लियामेंट में भी उन्होंने बोला है, और मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि इस पर विचार होना चाहिए। पर कब होगा ये, मतलब अब देखिए इसमें सबसे चर्चा तो करनी ही पड़ेगी, सबसे चर्चा कर ही हो सकता है, मगर प्रधानमंत्री जी के विचार रखते ही एक बहस तो छिड़ गई है। सब लोगों को लगता है कि हर साल चुनाव होना, हर महीने चुनाव होना, वो लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं, इसका एक ही समय निश्चित कर लिया जाए।
प्रधानमंत्री राजस्थान गए थे, अब राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और मध्य प्रदेश, ये चार बहुत बड़े राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं। आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके हमें बता सकते हैं कि राजस्थान में क्या आप देख रहे हैं, एक चेंज, जैसे आपने पलट का कहा था? मैं तो मानता हूं कि ये चारों राज्य, राजस्थान, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, भारतीय जनता पार्टी के मजबूत राज्य हैं। हम चारों जगह पे जीतेंगे। राजस्थान में अल्टरनेट चलता है, मुख्यमंत्री को लेकर हमेशा बहस होती है कि कौन बनेगा। ऐसा हमेशा नहीं होता है, नॉर्थ ईस्ट में भी अल्टरनेट कहते थे, कुछ नहीं हुआ। हम नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर में भी फिर से रिपीट हो गए, असम में भी हो गए, तो अरुणाचल में भी हो गए, अब त्रिपुरा में भी हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में आप नहीं समझते कि इतनी देर से बीजेपी की सरकार चल रही है, जो कांग्रेस है वो कहते हैं कि लोग उब चुके हैं, बोर हो चुके हैं एक ही पार्टी। गुजरात में भी बहुत सालों से चल रही है। गुजरात में तो आपने पुरजोर कोशिश की, आप और मोदी जी, आप दोनों के होम स्टेट है, वहां पे तो जीतना ही था आपको। नहीं, ऐसा नहीं होता है, जब जनता बोरियत महसूस करती है तो कोई नहीं जीता सकता। मगर नई नई योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लेकर जा रही है, इसका जनता स्वागत करती है। मोदी जी की लोकप्रियता का जनता स्वागत करती है, और मोदी जी ने देश को जिस जगह से जिस जगह पे पहुंचाया है उसका जनता स्वागत करती है। वो अप्रिशिएट करते हैं कि इस देश को पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे देश को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हमारे देश के अर्थतंत्र को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंचाने का काम किया है, और देश के सामने 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ 60 करोड़ लोग जो आजादी के बाद छलावा हुआ महसूस करते थे कि संविधान ने हमें कुछ नहीं दिया, वो 60 करोड़ लोगों के जीवन स्तर को उठाने के लिए एक बहुत पवित्रता के साथ सफल प्रयोग कर उनके जीवन स्तर को उठाया गया है। G20 जो चलने वाला है पूरे कंट्री में, यू हैव सो मेनी इवेंट्स, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जहां पर भारत को एक शोकेसिंग हो रही है, भारत के राज्यों की शोकेसिंग हो रही है, वहीं इसको एक इलेक्शन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा, इलेक्शन प्रोपेगेंडा या इलेक्शन कैंपेन के तौर पर, क्योंकि मोदी जी की छवि को लेकर सब जगह बात होगी और वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो मोदी जी के साथ आएंगे, तो इट विल बी यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पस आल्सो। नहीं तो क्यों ना हो। अगर मोदी जी के समय में ही G20 का नेतृत्व तो भारत को मिला है, और यशस्वी तरीके से अगर G20 की पूरी समिट सफलता से समाप्त होती है तो मोदी जी को यस मिलना ही चाहिए, क्यों ना मिले, किसको मिले, तो अपोजिशन को मिले, स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी को मिलेगा। और जिस प्रकार से उन्होंने आयोजन किया है, पूरी दुनिया आश्चर्यजनक तरीके से देख रही है, किसी भी देश में G20 की सीरीज ऑफ मीटिंग्स को 4 या 5 शहर के बाहर नहीं ले जा पाए। हमने हर राज्य को मौका दिया है, इतने बड़े देश में कोई राज्य और कोई केंद्र शासित प्रदेश छूटा नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कितनी तैयारी करनी पड़ती है इसके लिए, और आज समग्र भारत की विविधता का, अलग अलग हमारी संस्कृतियों का, अलग अलग खान पान, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग प्रकार की भाषाओं का मैसेज लेकर पूरी दुनिया वापिस जाएगी। बीजेपी के बारे में कहा जाता है हर चीज जो है वो गाजे बाजे के साथ किया जाता है, G20 भी वैसे ही किया जा रहा है, कंटेंट अगर हो या ना हो लेकिन उसको प्रोजेक्शन, उसकी मार्केटिंग बहुत अच्छी तरह होनी चाहिए। देखिए, मार्केटिंग का बेसिक सिद्धांत है, प्रोडक्ट अच्छी हो तो ही लॉन्ग टर्म में मार्केटिंग सफल होती है। ये आपने वही गुजराती बेसिक सिद्धांत है। और अगर प्रोडक्ट अच्छी है तो उसको गाजे बाजे के साथ मार्केट करना ही चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी का जो काम है वो क्यों भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गौरव के साथ देश और दुनिया के सामने न रखे। 75 साल के अंदर भारत को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास हुए हैं, सिर्फ प्रयास नहीं सफलता भी मिली है,
उसको गौरव के सामने देश और दुनिया गौरव के साथ देश और दुनिया के सामने रखना चाहिए। और मैं मानता हूं ये प्रधानमंत्री जी का सिर्फ गौरव नहीं हो रहा है, पूरे भारत का हो रहा है। ये भी कहा जाता है कि बीजेपी जो है वो जम्मू कश्मीर को लेकर कहा जा रहा था कि बीजेपी जो है वो इट इज राइटिंग अ री इमेजिन्ड हिस्ट्री, मतलब करंट जो है वो तो चल ही रहा है लेकिन हिस्ट्री को भी रीराइट कर रहा है, कश्मीर को लेकर कहा जाता था। और इट्स सेड अबाउट द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो कि आप जो है वो यू आर टॉकिंग अबाउट अ पास्ट विच यू आर इरेज अ सर्टन पास्ट, कि मुगलों को इरेज कर देते हैं, जो नेहरू जी का कॉन्ट्रीब्यूशन है उसे इरेज किया जा रहा है। 370 के रेफरेंस में कहती है, सिर्फ 370 नहीं तो नेहरू जी के कारण 370 आया, तो हमें तो हमारा तो एजेंडा है 1950 से डाला तब से है कि नहीं होना चाहिए था, इससे देश का नुकसान हुआ है और अब ये सिद्ध भी हो रहा है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से आतंकवाद धीरे 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 समाप्त हो रहा है, सारे आंकड़े आप देखिए, ढेर सारा परिवर्तन जम्मू कश्मीर में हो ही रहा है। और जो रीनेमिंग ऑफ सिटीज की बात चल रही है, देखिए एक भी शहर ऐसा नहीं है जिसका पुराना नाम नए हो और बदला है। इसको हमने बहुत सोच समझकर हमारी सरकारों ने फैसले लिए हैं और हर सरकार का विधायी अधिकार है जी। 2024 को लेकर आप समझते हैं, इज इट, क्या आप ऑलरेडी एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन के लिए क्या मुद्दा होगा बीजेपी के लिए, क्या क्या मैसेजिंग होगा? देश का विकास, सुरक्षित देश, देश से अर्थतंत्र को विश्व में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला अर्थतंत्र बनाना, भारत का गौरव समग्र विश्व के अंदर पहुंचाने का प्रयास और सफलतापूर्वक इसकी स्वीकृति आई है, और देश के 60 करोड़ गरीब लोगों के जीवन स्तर को उठाने का 8 साल के अल्पकाल के अंदर जो प्रयास किया और हम उठाने में सफल भी हुए हैं, और ढेर सारी सिद्धियां, रेलवे में आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई नीति बनकर आज हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी लीडर बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं, ड्रोन की पॉलिसी बनकर ड्रोन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, खदानों के क्षेत्र में भी बहुत सारी पॉलिसी हमने तय की है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए मेक इन इंडिया को सफल बनाने के लिए भारत समग्र विश्व में उत्पादन का हब बने इसके लिए ढेर सारी नीतियां बनाकर हमने सफलतापूर्वक प्रयास किया है, भारत की डिफेंस के क्षेत्र में विदेश पर की निर्भरता को 30% या 8 साल के अंदर कम करना मैं मानता हूं बहुत बड़ी सिद्धि है, वामपंथी उग्रवाद लगभग लगभग समाप्ति के आरे पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद पर पूर्णतया हमारी एजेंसियों का कंट्रोल है, वर्चस्व है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूरा एक प्रकार से जो उग्रवादी ग्रुप थे इसके अंदर बहुत सारा समाधान कर हमने धीरे 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 कर 8,000 से ज्यादा उग्रवादी ग्रुपों के लोगों को मेन स्ट्रीम में लाने में सफलता हुई, नॉर्थ ईस्ट पहली बार विकास का अनुभव कर रहा है, मैं तो अभी त्रिपुरा में घूम रहा हूं, मैं बहुत गरीब घर के अंदर भोजन करने के लिए गया था, उसने उसका टॉयलेट भी बताया, गैस का सिलेंडर भी बताया, घर में बिजली भी बताई और नल से आता हुआ पानी भी बताया और आयुष्मान भारत का कार्ड भी बताया, ये लाभार्थी स्कीम, लाभार्थी स्कीम, तो ये गरीब के घर में पहुंचा है सारा, और बाहरी धान का बड़ा प्लास्टिक का बोरा भरा पड़ा था, मैंने कहा माई क्या करोगी धान को, धीरे धीरे यूज करोगी कि ना, अब तो फ्री चावल मिलता है, इसको हम बेच लेंगे, सरकार धान खरीदती भी है, भाजपा की सरकार, इसको हम बेच देंगे और हमारा खाने का अनाज तो चावल तो मोदी जी भेज रहे हैं, उससे फिर तेल और सब्जियां खरीद, इससे तेल सब्जियां बाकी जीवन जरूरत की चीजें उसके जीवन को वो अपग्रेड करेंगे, इसके घर में लगभग लगभग मैंने ऐसा पूछा नहीं पर प्लास्टर वाले घर की चमक थी, अभी कलर भी नहीं लगा था, घर में प्लास्टर हो चुका है, इसको गौरव था जी। तो
ये परिवर्तन जो है, मैं मानता हूं कि 2024 में कहीं कोई स्पर्धा नहीं है, देश एक तरफा मोदी जी के साथ आगे बढ़ रहा है। परिवर्तन की राजनीति, ये आप पिछले 8 साल और अब 2 साल, लेकिन क्या आप 2024 में आप प्रिंसिपल ऑपोजिशन किसे मानते हैं, कांग्रेस लेड बाय राहुल गांधी? ये तो देश की जनता ने तय करना है। अभी तो किसी को प्रिंसिपल ऑपोजिशन का लेबल जनता ने लोकसभा में नहीं दिया है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब तो ऐसे ही लग रहा है कि मोदी जी के खिलाफ तो अब राहुल गांधी ही खड़े होंगे, क्योंकि ममता जी वगैरह तो देखिए ना, 3 राज्यों में चुनाव है, कितना असर होता है। राहुल गांधी तो आए नहीं कैंपेन करने के लिए, त्रिपुरा तो आए नहीं, वो आना ना आना उनकी फुर्सत का सवाल है, परंतु परिणाम तो आना चाहिए ना, देखिए ना क्या आता है अभी काउंटिंग के दिन। लेकिन 3 राज्यों में नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा, तीनों पुराने कांग्रेस के राज्य हैं जी, कितनी मजबूती मिलती है देखते हैं परिणाम में। लेकिन कांग्रेस पार्टी कहती है कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी काफी रैटल हो गई है, डर गई है कि राहुल गांधी का इमेज चेंज हो गया है। चलिए वो उनका एक विचार है, मैं नहीं मानता कि इस प्रकार की बातों को देश की जनता सही मानती है। जब आप होम मिनिस्टर बने थे, आपका क्या गोल था और आप उसको अचीव करने में किस हद तक कामयाब रहे हैं? इस प्रकार से सिमट कर कहना मेरे लिए बहुत कठिन होगा, परंतु मैं इतना निश्चित मानता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने जो नीतियां बनाई है, वो नीतियों ने भारत को विश्व के फलक पर पहुंचाने का काम किया है। भारत के अंदर ढेर सारे सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं। नई शिक्षा नीति एक ही काम ऐसा है जो 50 साल तक भारत को पे करेगा, भारत की नई पीढ़ी बनाएगा, भारत के विचारों वाली नई पीढ़ी बनेगी जो आने वाले दिनों में पूरे विश्व के अंदर चकाचौंध करने वाली सफलता लेकर आएगी। मैंने नई शिक्षा नीति के मसौदे को बहुत बारीकी से पढ़ा है, बहुत बारीकी से। और मैं विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूं, हर बार जब शिक्षा नीति आती है इसका बहुत विरोध होता है, क्योंकि ढेर सारी कमियों को लोग ढूंढ कर निकाल देते हैं। ये शिक्षा नीति का किसी ने विरोध नहीं किया है, क्या पढ़ा ही नहीं होगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, शिक्षाविद तो पढ़ते ही है और बेबाकी से अपने विचार भी रखते हैं जी, परंतु इम्प्लीमेंटेशन की शुरुआत भी हो रही और सार्वत्रिक इसका स्वागत हो रहा है जी। मैं तो कई जगह इसके सेमिनार में भी गया हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर आपके क्या आप व्हाट वर योर गोल्स, जैसे आपने 370 वाला किया, आपने आर्टिकल 370 वाज प्राइम आपके उसमें, तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर के अलावा नक्सलवाद को खत्म करना क्या था? 3 हॉटस्पॉट वाले जगह थी इंटरनल सिक्योरिटी की दृष्टि से। मोदी जी के 9 साल के शासन में तीनों जगह पर शांति प्रस्तावित होने लगी है। वामपंथी उग्रवाद बिहार और झारखंड लगभग समाप्ति हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में भी हमने सिक्योरिटी वैक्यूम को भरा है, मुझे भरोसा है कि बहुत कम समय के अंदर भी ही वहां पर हमें सामान्य स्थिति बनाने में, बहाल करने में फायदा होगा। 20 साल के बाद पहली बार हताहत होने वाले नागरिक और सुरक्षा कर्मियों का योग 100 के नीचे आया है 20 साल के बाद, और वनथर जिले रह गए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसी तरह से जम्मू कश्मीर में भी टेररिज्म से रिलेटेड सभी प्रकार के आंकड़े, जब से टेररिज्म शुरू हुआ तब से लेकर आज कर सबसे अच्छी स्थिति में, करोड़ों यात्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, सुरक्षा से यात्रा कर वापिस आ रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इतने बाय एयर पैसेंजर कभी नहीं गए थे जितने अभी गए हैं, तो बहुत बड़ा परिवर्तन है। और नॉर्थ ईस्ट में आप देख ही रही है, खालिस्तान जो मूवमेंट है उसके जो टेररिस्ट हैं बाहर से उनको समर्थन दे रहे हैं, इंटरनली इंडिया में भी जैसे चंडीगढ़ में भी कुछ लोग निकले थे बाहर, वायलेंस बढ़ता जा रहा है, खालिस्तान जैसे वर्ड फिर से इस्तेमाल होने लग गए। देखिए ये सालों से होता है, हम इस पर गंभीरता से वॉच बनाए रखे हुए हैं, पंजाब सरकार से भी हमारी चर्चा होती है, सभी एजेंसियों का कोऑर्डिनेशन अच्छा है,
मुझे विश्वास है कि हम इसको पनपने रहेंगे। क्या हम कनाडा यूके इन सब से इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर उनसे बात कर रहे हैं हम? देखिए स्मिता जी, इस प्रकार की बातों को सार्वजनिक रूप से प्रकट करना न नेशनल सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, न गृह मंत्री के लिए अच्छा है। जी वो मैं समझती हूँ, लेकिन लोगों को डर जरूर लगता है कि फिर से 80 का दशक फिर से। हमारी क्रेडिबिलिटी है, किसी को डरने की जरूरत नहीं। जी आप राउंड अप अगर हम करें कि इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में हम लोग जब आपकी सरकार आई 2014 से और अब तक, सबसे एक खास उपलब्धि आप कौन सी मानेंगे? कहना है तीनों थिएटर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया है। 8000 से ज्यादा इंसर्जेंसी ग्रुप के लोगों ने नॉर्थ ईस्ट अकेले में हथियार डाले हैं। ये आंकड़ा 22 साल के बाद 100 से कम हुआ है। जिले बहुत सारे मुक्त कर दिए गए, यहां से अपसफा 60% से ज्यादा क्षेत्र के अंदर उठा लिया गया है नॉर्थ ईस्ट में से। यही बताता है कि स्थिति अच्छी है। करोड़ों यात्री, टूरिस्ट और यात्री जम्मू कश्मीर का टूर कर दर्शन कर अमरनाथ का और वैष्णो देवी का सफलता से आनंद के साथ वापस। जम्मू कश्मीर में आपने कहा था कि स्टेटहुड वापस आएगा, आपने ये वादा किया था कि एक नहीं, मैंने बहुत स्पष्ट वादा किया था एक चुनाव के बाद आएगा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के। और जम्मू कश्मीर का चुनाव अभी आप नहीं कह सकते? नहीं, मैं नहीं कह सकता, मगर मतदाता सूची बनाने का काम अब लगभग समाप्ति पर है, फिर इलेक्शन कमीशन ने कॉल लेनी है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि पहले कभी ऐसे नहीं हुआ था कि कोई चुनाव नहीं हो रहे, इतने सालों साल चुनाव नहीं हो रहे, एंड देर इज अ सिस्टम ऑफ यू नो गेटिंग थिंग्स डन, लेकिन वो हो नहीं रहा है। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के घरों पर बुलडोजर चलने लग गए हैं, आर्बिट्ररी हो रहा है। देखिए अगर मनमाने तरीके से, गैर कानूनी तरीके से कुछ भी हो रहा है तो सब कोर्ट में जा सकते हैं। एक बात, जहां तक चुनाव का सवाल है, उनको कभी क्यों पंच, सरपंच, जिला पंचायत, तहसील पंचायत के चुनाव की याद नहीं आती है? वो हमारे ही शासन में हुए हैं, 70 साल से आप लोगों ने नहीं करे थे। 3 परिवार अपना कब्जा बनाकर जम्मू कश्मीर में बैठे थे और आज ये सारे चिल्ला रहे हैं एक भी जगह घटना होने के बावजूद। और बाद में फारूक साहब कश्मीर से इंग्लैंड चले गए थे, किसके समय में टेररिज्म बढ़ा, किसने बढ़ने दिया, इसका जवाब उनको देना चाहिए। महबूबा जी तो कह रही हैं कि बीजेपी ने तो जम्मू कश्मीर में पैलेस्टाइन को छोड़िए अफगानिस्तान बना दिया है। चलिए आप बहुत सीरियसली ले रही हैं, उनको लेना तो पड़ेगा ना सर, वो है जी, जी, वो अगर वास्तविक स्थिति का आकलन कर सीरियसली लेना चाहिए। पर वो आजकल तो वही है, अभी तक तो कोई नेता उभरे नहीं है, अभी भी उमर अब्दुल्ला है, महबूबा है, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है। नहीं वो तो है ही जी, एक बार बनने के बाद पूरा जीवन सभी लोग फॉर्मर रहना ही पड़ता है। जी अच्छा, धन्यवाद अभिषा जी, आपको ऑल द बेस्ट फॉर द इलेक्शंस। अभी सालों से एक पूरा साल आपका चुनाव चाहिए लग जाए और अब परिणाम आए तब देख लेना। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी बहुत यशस्वी होकर चुनाव में बाहर आएगी और आगे वाले 23 में चुनाव जो आ रहे हैं वहीं भी हमारे चारों राज्य अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छे से परफॉर्म करें। मीडिया को अगर आप देखें तो वो तो कह रही है कि नेक टू नेक चल रहा है त्रिपुरा में। चलिए मैं, मुझे लगता है जो मैंने बताया, हर बार मीडिया हमारे साथ शुरुआत तो नेक टू नेक ही करता है। अच्छा धन्यवाद। धन्यवाद।